What's up guys? वैसे तो आप सभी लोगों ने पॉलीगोनल बैकग्राउंड के वीडियोस जरूर देखे होंगे YouTube पे, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक पॉलीगोनल टेक्निक से एब्स्ट्रैक्ट 3D पॉलीगोनल फैसेट बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह से बहुत सारे क्रिएटिव टिप्स के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कोई भी टिप्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है 1920 विड्थ में और 1080 हाइट में। आप कोई भी साइज का आर्टबोर्ड ले सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट हम एक पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल है, इसी में यहाँ पे हमारा पॉलीगोनल टूल है और इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साइज चाहिए 3, तो ये साइज कोई भी हो, मैं इसे 50 पिक्सल्स कर देता हूँ रेडियस, और इसे हम ओके कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एक पॉलीगोनल आ चुका है, तो ये ट्राइंगुलर शेप का पॉलीगोनल आ चुका है। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, पॉलीगोनल हमेशा ट्राइंगुलर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है। कोई भी बैकग्राउंड में अगर आप क्रिएट करोगे तो ज़्यादा वर्टेक्स मत यूज़ कीजिए, मिनिमम टू मिनिमम 3 साइड्स आपके पॉलीगोनल होने चाहिए, तो ये पॉलीगोनल कहलाता है और इसे एक अच्छे से एक अच्छा कंटेंट बन सकता है। तो मैं देखिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसके स्ट्रोक को नन कर लेते हैं, फिल कलर को रेड कर लेते हैं। तो ये फिल कलर को रेड कर लिया हमने, तो यहाँ पे इसे साइड में कर लेते हैं और अब मुझे ग्रेडियंट देते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट मैंने दे दिया है और हमें इसी तरह से एक टिंट शेड क्रिएट करना है रेड और वाइट रेड की तरफ। तो मैं यहाँ पे अगर शेड हमें चाहिए या टिंट चाहिए तो हम कलर गाइड में जाते हैं। कलर गाइड में जाते ही हमें रेड कलर के शेड के यहाँ पे टिंट्स नजर आ रहे हैं। ये डार्कर शेड है, यहाँ पे लाइटर शेड, तो यहाँ पे ब्लैक से लेके ये रेड कलर है, फिर यहाँ पे लाइटर शेड। तो मैं अभी यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट करते हैं और कलर पिक कर लेते हैं। कलर पिकर से यहाँ पे ये ग्रेडियंट का लिया जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे कलर ग्रेड में जाइए और ये वाला कलर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके कलर अप्लाई कीजिए, तो ये ऐसे अप्लाई होता है। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला टिंट को, फिर यहाँ पे देंगे हम एक लाइटर शेड, तो हम सिलेक्ट करेंगे इस कलर को और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डार्कर को एक लाइटर शेड आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक कलर शेड क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक फैसेट क्रिएट करेंगे इसी को यूज करके। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका, और एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसे ऐसे रखता हूँ और इसे इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसे हमेशा स्नैपिंग ऑन रखिए, अगर आपका स्नैपिंग ऑन नहीं रहेगा तो ये स्नैप बराबर होगा नहीं। मेरा स्नैप हो रहा है क्योंकि मैंने स्नैप ऑन रखा है। हमेशा व्यू में जाइए और ये जो स्नैप टू पॉइंट है वो ऑन रखिए, बाकी सारे ऑफ कीजिए, और ये स्मार्ट गाइड है वो भी ऑन रखिए। तो अभी यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ऐसे कुछ, तो देखिए ये स्नैप हो चुका है और हमने एक फैसेट क्रिएट कर लिया है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमारा जो फैसेट है, कंट्रोल वाई करके प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर अलाइन है कि नहीं, थोड़ा जूम करके देख लो कि प्रॉपर स्नैप हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा फैसेट बराबर दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर मिक्स मर्ज हो रहा है। तो फिर भी हम यहाँ पे इसे कलर प्रॉपर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को और ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ जी प्रेस करके। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट को इस तरह से अप्लाई करूँगा, थोड़ा सा डार्कर डार्कर टू, थोड़ा सा एक मिड टोन 20 यहाँ पे दे दूंगा और फिर सिलेक्शन टूल लेके इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा मिड टोन दे देंगे। देखिए मिड टोन इस तरह से आएगा कुछ, तो ये मिड टोन हमने दे दिया है। और अब हम यहाँ पे एक लाइटर टोन दे देंगे, तो जैसे कि
थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइटर टोन दे दिया मैंने। तो देखिए इस तरह का एक फेसेट रेडी हो चुका है और ये एक प्रॉपर प्रॉपर फेसेट है। यहाँ पे देखिए जो शाइन आ रहा है, यहाँ से ग्लो आ रहा है और यहाँ पे सनलाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे शेडो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ का साइड है डार्कर है, ये मिड टोन है और यहाँ पे एकदम हाईलाइटेड एरिया है। तो ऐसे तीन शेड सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसे प्लेस कीजिए। अभी हम बैकग्राउंड क्रिएट करने का स्टार्ट कर रहे हैं, फिलहाल तो ऐसे ही रखिए और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए, ये प्रेस करके यहाँ पे एक एक वर्टेक्स यहाँ पे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्नैप कीजिए। तो ये प्रॉपरली स्नैप हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको सेंटर का सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो देखिए ऐसे कुछ मूव होगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल वाई करेंगे और यहाँ पे आपको कहीं पे मूव करके रखना है वहाँ पे आप रख सकते हो। तो अभी इसी शेप को लेके हमें पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो ध्यान रखिए हमेशा ये जो ढाका साइड है वो नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ ही आए और बाकी ये जो शेड्स एज इट इज जिस पोजीशन पे जाना चाहिए उस पोजीशन पे ही रखिए। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं इसे, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने और अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया और इसे सिलेक्ट किया यहाँ पे और इस एंकर पॉइंट पर यहाँ पे इसे स्नैप किया और इसे भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्नैप किया, इसे ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इसे भी थोड़ा ऐसे स्नैप कीजिए और अभी यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कीजिए। ऐसे ही पूरा ये एक सेट को कॉपी कीजिए और हमेशा मूव करते रहिए ताकि आपको जो शेप आए वो एकदम प्रॉपर आए। तो देखिए यहाँ पे एकदम प्रॉपर आ रहा है, अभी ये कहीं पे मर्ज नहीं हो रहा है, पर कहीं पे अगर जब मर्ज हो आप पूरा करते समय तो आप उसे बाद में एडिट कर सकते हो अपने ग्रेडिएंट को सेट करके। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे कुछ रखा है, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे ऐसे स्नैप कर लीजिए और फिर यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे कुछ स्नैप कर लिया और उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएट कर लिया, वाई प्रेस किया और यहाँ पे ऐसे सेंटर को भी थोड़ा सा अलाइन कर लिया। हो सके जितना थोड़ा सा मीडियम लेवल के फेसेट्स ही क्रिएट कीजिए, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा मत कीजिए, तो वो क्लीन और एकदम इफेक्टिवली बैकग्राउंड नहीं क्रिएट होगा। तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। सिलेक्ट कीजिए इस सारे फेसेट्स को, कॉपी कीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेस कीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे रख लिया। कंट्रोल वाई और यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सिलेक्शन टूल और प्रेस करके यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लिया। फिर से यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया। देखिए मैं रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अलग सा क्रिएट करना चाहता हूँ, कि ऐसा नहीं कि सेम ऑब्जेक्ट रख दिया एक ही लाइन में तो वो एक अच्छा पैटर्न भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे मिक्स करते रहिए, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए, इसे यहाँ पे एक अच्छी तरह से स्नैप कीजिए, यहाँ पे स्नैप कीजिए, जितना हो सके बेटर करने का ट्राई कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए एक पेशेंस होना जरूरी है, बिना पेशेंस के आप कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। हमेशा एक पेशेंस के साथ अगर आप कुछ क्रिएट करने का ट्राई करोगे आपको एक बेटर रिजल्ट और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ क्रिएट किया। यहाँ पे थोड़ा ऐसे रखिए, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि अगर ये मैं पूरा बैकग्राउंड आपको अगर वीडियो में करता रहूँ तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, आप एक प्रॉपर अच्छी तरह से सीखें, आपका इंटरेस्ट लगे कि आप इसे क्रिएट करने में और भी इंटरेस्ट लें।
सो गाइस, इस तरह से ये बैकग्राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप भी ध्यान रखिए कि ये तीन जो कलर है कहीं पे मर्ज ना हो जाए और एक 3D फैसेट सा लुक आ जाए। तो इसका कलर अभी हमने रेड टोन में लिया था, आप कोई भी और भी कलर में ले सकते हो, तो सिलेक्ट ऑल कीजिए। अगर कोई और कलर में कोई चेंज करना हो, सेम लुक एंड फील आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे ऊपर जब आपके कंट्रोल बार में ऑप्शन है, यहाँ पे रीकलर आर्टवर्क करके हैं, तो यहाँ ऊपर जो है तो इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो ये ऑप्शन में आप कलर जाके चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हो और इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। देखिए ये क्रिस्टल कलर है, यहाँ पे रखेंगे तो गोल्ड कलर आ जाएगा, ये कि गोल्ड कलर की तरफ मैंने ले लिया। ऐसे कुछ टिंट आप चेंज कर सकते हैं आपके बैकग्राउंड में। और इसे मैं अंडू कर लेता हूँ, सेम फिल में ही रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस तरह के अमेजिंग कंटेंट सीख सके। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और इमेजिन करके कुछ रियल में क्रिएट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।